हेलो, मेरा नाम विकास है। मैं थाने में रहता हूँ और मैं जॉब करता हूँ टाटा मोटर्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग में एज अ अभी CSR कंप्लेंट डिपार्टमेंट। स्नैपमिंट के बारे में मुझे पता ऐसे चला कि मैं एक दिन दिमाग में ऐसी चीज़ आई थी कि कोई तो साइट हो गया ऐसी कि जिसमें इंटरेस्ट कम हो और हम इजीली बाय करें कुछ भी। तो उसी चीज़ के लिए मैंने सारी साइटें मैंने ढूंढनी चालू की, तो उसमें मुझे मिला था साइट स्नैपमिंट। तो मैंने उसमें रजिस्ट्रेशन किया। सबसे पहले तो यही बात है कि सब कुछ बहुत इजीली हो गया था और सब कुछ बहुत फास्ट हो गया था तब। तो इंडिया में बेसिकली जो भी चीज़ इजी होती है और फास्ट होती है तो उससे पहले तो भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अभी एग्जॉस्ट फैन इधर अवेलेबल था, होम अप्लायंसेस भी है जैसे कि इसमें मैंने बताया था। तो मैंने देखा, सर्च किया, तो मैंने मुझे मिल गया, तो मैंने उस पे से वो बाय कर दिया। उसके बाद पेमेंट हुआ। पेमेंट होने के बाद भी मुझे डर लग रहा था कि ये प्रोडक्ट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ कुछ 500 रुपीज़ पहले आपको भरना होता है, पे करना होता है आपको, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट आपसे आपके पास डिलीवर किया जाता है, उसके बाद EMI स्टार्ट होता है। तो वो या क्या बोले उसमें वो आ गया, तो फिर उसके बाद मुझे भरोसा हुआ इस पे और फिर मैंने बाकी सब चीज़ें स्टार्ट की बाय करना। जब से स्नैपमिंट पे शॉपिंग कर रहा हूँ सब अभी तक तो एक्सपीरियंस सभी अच्छा ही रहा है। मेरे पास ऑप्शंस थे, मेरे पास एक्चुअली इंडसइंड का क्रेडिट कार्ड है, तो मेरे पास ऑप्शन थे। मैं बहुत टाइम से फ्लिपकार्ट और अमेजोन से बाय सब चीज़ें खरीद रहा हूँ, पर वहाँ एक ये प्रॉब्लम है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको आप खरीद नहीं सकते, आपके पास क्रेडिट कार्ड है फिर भी। तो फिर अब मैंने ये यूज़ करना चालू किया, इस वजह से अभी मैं बहुत सारी चीज़ें अभी बाय कर रहा हूँ स्नैपमिंट से। सबसे पहला तो इंटरेस्ट, आपका जो इंटरेस्ट होता है, आप क्रेडिट कार्ड पे, अगर आपको पता होगा अपने बाय के हो, क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट आता है प्रोडक्ट के पीछे वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और दूसरा चीज़ वो हो गया कि आप क्रेडिट कार्ड का है ना, आजकल फ्रॉड बहुत चल रहा है। मैंने रिकमेंड तो किया हुआ है मेरे सिस्टर्स को, मेरे जो सिस्टर्स है उन्हें और मेरे भाई को भी किया हुआ है। सबसे पहला है क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड, जो कि आजकल बहुत डिमांड में। क्या क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड होता है जो प्राइवेसी होती है, क्योंकि बहुत ही कितना भी आप कुछ कितना भी एंटीवायरस लगा लो, कोई भी लगा लो, अगर आपने सही से नहीं डाला डिटेल्स और कहीं लीक हो गई फिर ख़त्म हो गया। सेकेंड होता है कि पेमेंट करते समय कुछ कई बार पेमेंट करोगे आप क्रेडिट कार्ड से, तो आप सारी डिटेल डाल रहे हो, OTP डाल रहे हो और वो कैंसिल हो जाता है। मैंने जैसे कि बताया कि वो एरर, तो सबसे पहले तो आपका उसी में प्राइवेसी आ गया, और जो क्रेडिट कार्ड के जो जितने भी चीज़ें एरर होता है, पैसे कट जाते हैं, फिर आपको फिर से वो ये होता है आपके लिमिट से पैसे चले गए, आपको बताएगा कि आपने इतना इतना यूज़ कर लिया और आपको पेमेंट तो कैंसिल हो गया होता है। फिर दूसरी चीज़ है कि समय लगता है उसमें, आप सब जगह क्रेडिट कार्ड लेके नहीं घूम सकते, तो इसमें क्रेडिट कार्ड का आपके पास नहीं है तो भी चलेगा, आपके पास आपको आपके पास सिर्फ डिटेल्स होनी चाहिए। और पेमेंट करते समय भी यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं जैसे कि गूगल पे हो गया, तो फ़ोन से इजीली पेमेंट हो जाता है।